नमस्कार, MNS News Live में आप सभी का स्वागत है। YouTube चैनल लॉन्च करेंगी आलिया भट्ट, फैंस को देंगी फैशन और फिटनेस के टिप्स। पिंक विला के सूत्रों के मुताबिक आलिया अपने फैंस को अपनी निजी जिंदगी से रूबरू करना चाहती है। सूत्रों ने बताया कि आलिया को नई नई चीजें ट्राई करना बहुत पसंद है, इसलिए वो इंस्टाग्राम और ट्विटर करना बहुत पसंद करती है। इसीलिए वो इंस्टाग्राम और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब पर भी एक्टिव रहने का सोच रही है। आदित्य पंचोली मानहानि केस, कोर्ट ने कंगना रंगोली को भेजे 4 समन। मुंबई की कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में कंगना रनौत और रंगोली चंदेल को समन जारी किया गया है। आदित्य पंचोली ने कुछ दिन पहले कंगना रनौत के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। कबीर सिंह के बाद एक और साउथ रिमेक में काम करेंगे शाहिद कपूर। करण जौहर ने तेलुगु एक्टर नानी की हालिया रिलीज जर्सी के हिंदी रिमेक राइटर खरीद लिए हैं। इस रिमेक के लिए करण जौहर शाहिद कपूर को लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। करण जौहर मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। ट्रेनर के साथ गजब के स्टंट करती दिखी दिशा पाटनी। हाल ही में दिशा पाटनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो डांस स्टंट करती नजर आ रही है। वीडियो में दिशा के मूव्स देखकर सब हैरान हो गए। MNS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।